हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल यदाल गुप्ता डीएनए क्लासेस में। बच्चों आज हम जानेंगे शरीर के वेगों के महत्व के बारे में। हमारे शरीर से जो वेग निकलते हैं ना, वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करके वेग हमारे। देखिए शरीर के वेगों को कभी भी नहीं रोकना चाहिए, है ना। जैसे आपका नींद एक वेग हो गया है ना, इसे कभी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वेगों को रोकने से बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती है। हंसी जैसे एक सहज रूप में आ रही है, उसे कभी रोकिए मत आप, है ना। हंसी शरीर में बनने वाले कुछ अलग अलग रसों, है ना, अलग अलग ग्रंथियों से उत्पन्न होती है, तो उसी के कारण वो तुरंत इंस्टेंटली पैदा होती है, तुरंत अचानक से। मस्तिष्क में हमारे एक पीनियल ग्लैंड पाया जाता है जो बहुत मदद करता है हंसी आने के लिए। पीनियल ग्लैंड में कुछ रस बनते हैं जिससे हंसी का आना सीधा संबंध होता है। तो पहले ये रस पैदा होगा, उसके बाद आपको हंसी आएगी। ये रस भावना के कारण तुरंत बन जाता है, सेकेंड्स में, है ना। आपको कोई बात पसंद आएगी, आप तुरंत हंसने लगेगा, तो वो अचानक से बनता है पीनियल ग्लैंड के द्वारा, ठीक। जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि शरीर में कोई लाभ होता ही नहीं है इसका। ये पूरी तरह से यांत्रिक हंसी होती है, है ना। अब बिना रस और बिना भाव के अगर आप हंसिएगा तो आपकी जो पेट की नसें हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती हैं, जिससे पेट दर्द हो सकता है, आपको बहुत सारी तकलीफें आ सकती है। ऐसी स्थिति में पेट का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखिए बिना जबरदस्ती तो हंसना ही नहीं चाहिए कभी, ठीक। अच्छा, दूसरा एक वेग होता है छींक, छींक, छींकना। तो कभी भी अगर आपको छींक आ रही है तो उसे आप कभी रोकिए मत, है ना। आती हुई छींक को कभी रोकने की कोशिश ना करें। जबरदस्ती छींकने से 13 से 14 रोग हो सकते हैं, समझ में आ रहा आपको, 13 से 14 रोग जबरदस्ती छींकने से। और आती हुई छींक को रोकने पर 23 से 24 प्रकार के रोग हो जाते हैं, है ना। इसलिए ध्यान रखिए कभी भी छींक को रोकिए मत। आप चाहे तो अगर महफिल में बैठे हुए हैं तो आप साइड में मुँह करके हाँ छींक लीजिए, लेकिन रोकिए मत, ठीक है। तीसरा आपका जो वेग होता है वो है प्यास। अगर आपको पानी प्यास लगा हुआ है तो आप तो सबसे पहली बात तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चाहिए। मैं पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में आपको बताया हूँ कि पानी हमेशा घुट घुट करके पीना चाहिए, जैसे पशु पीते हैं। थोड़ा सा पानी मुँह में उठाएंगे, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे मुँह में रखेंगे, उसके बाद पियेंगे, वैसे ही पानी हम लोग को ही पीना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो सुबह सुबह ही आपको पानी पीना है, बिना प्यास के सुबह सुबह पानी पीना ही चाहिए, गर्म पानी, गुनगुना पानी। इसके बाद जनरली जब आपको प्यास लगे तो ही पानी पीना चाहिए, हमेशा नहीं पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह जनरली ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय, ठीक है ना। तो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले के समय में आप आसानी से उस समय आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। अब प्यास रोकने से जनरली कुल 58 या 59 प्रकार के रोग आपके शरीर में आ सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि आप हमेशा सुखासन में पानी पिए। सुखासन का मतलब होता है पालथी मार के बैठ करके पानी पीना, कुर्सी पर बैठ करके पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। उस पोज में पानी पीना शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं माना जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप सुखासन, है ना, ज़मीन पर या तो बैठ के नीचे पिए, या मान लेते हैं आप सोफे पे पलंग पर बैठे हुए हैं तो दोनों पालथी मार लें, उसके बाद पानी पिए। समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है ना।